हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शरद यादव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं विजन आईएएस की जो पीटी 365 आती है, जिसमें आप देखोगे अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर शामिल किया गया है, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर को। तो ये आप देख सकते हो पीटी 365 है आर्ट एंड कल्चर की। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको पॉलिटी की कवर करा दी थी, इकोनॉमिक्स कवर करा दी थी और साइंस के भी दो लेक्चर हो चुके हैं। आज एक लेक्चर सुबह 8 बजे पोस्ट हुआ था और जिसको दो लेक्चर में और आएंगे, जिसके बाद साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी और आर्ट एंड कल्चर भी मैं कोशिश करूंगा कि तीन लेक्चर में कवर कर दिया जाए। डेली आपको साइंस और आर्ट एंड लेक्चर के मतलब आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर मिलेंगे और साथ में एनवायरनमेंट की भी रिक्वायरमेंट है कई लोगों की, सर एनवायरनमेंट भी करा दीजिए, तो उसे भी मैं कराऊंगा। लेकिन पहले आर्ट एंड कल्चर और साइंस भी कंप्लीट हो जाए, जैसे चार हमारी पीटी 365 कंप्लीट हो जाएंगी। ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगी आपके यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक होगा मूर्तियाँ, मंदिर, स्थापत्य यानी स्कल्पचर्स, टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर। तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये ऑलरेडी मैंने मंथली मैगजीन में कवर किए थे। जब मैं मई से अक्टूबर तक की मैंने मंथली मैगजीन को कवर किया था विजन आईएएस की, वहाँ पर सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे जो अगर पुराने स्टूडेंट होंगे मेरे साथ जुड़े हुए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो इस पीटी 365 से एक क्विक रिवीजन के तौर पे इसे कवर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर देना, और इस तरीके की जो पीडीएफ है आपको जो अंडरलाइन और हाईलाइट की हुई पीडीएफ होती हैं ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ जब पीटी 365 की क्लास कंप्लीट हो जाती है तब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है? तो पहला टॉपिक आप देखोगे यूनेस्को के द्वारा दो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज जो है कि शामिल किए गए भारत के, एक 41 नंबर पे और एक 42 नंबर पे। तो देखा जाए तो भारत में टोटल कितने हेरिटेज हो चुके हैं, विश्व विरासत स्थल जो है टोटल 42 हो चुके हैं, जिसमें कुछ सांस्कृतिक हैं, कुछ मिश्रित हैं और कुछ प्राकृतिक हैं। तो उसकी कैटेगराइजेशन हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शांति निकेतन की। शांति निकेतन क्या है? वेस्ट बंगाल में स्थित है ये, भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया। हालांकि इसी के साथ होयसलेश्वर जो मंदिरों का समूह है जिसमें चेन्ना केशव मंदिर आते हैं और भी दो मंदिर आते हैं हलेबिड के, तो इनको भी शामिल किया गया, लेकिन पहला नंबर जो दिया गया 41 वो शांति निकेतन को दिया गया और 42 नंबर पे होयसलेश्वर मंदिर समूह को दिया गया। तो समझते हैं ये बंगाल का तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर है पश्चिम बंगाल का। इससे पहले दो ऑलरेडी हमारे पास यूनेस्को हेरिटेज हैं जिसमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आता है और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। तो ये तीन हो जाएंगे टोटल मिला के, एक तो शांति निकेतन, सुंदरवन और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। अगर हम बात करेंगे कि कौन सी संस्था के द्वारा इसको मतलब कि सिफारिश की गई थी कि भाई इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाए, तो उसमें जो हमारी कमेटी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थल परिषद यानी इकोमॉस जिसे हम लोग कहते हैं, इसने शांति निकेतन को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने करने के लिए सिफारिश की थी। तो अब बात आती है कि भाई इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो क्या चीज़ होती है इकोमॉस जो ये सिफारिश करती है। तो इसकी उत्पत्ति 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, वास्तुकारों हैं, विशेषज्ञों की एक दूसरी बैठक कांग्रेस का परिणाम था और 1964 में वेनिस में आयोजित हुई थी यह बैठक, और इसके बाद इसका हेडक्वार्टर बनाया गया पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ पे बात करेंगे तो एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है, एक एनजीओ की तरह काम करता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है जितने भी स्मारक है किसी देश में, भवन है या परिसर है, सांस्कृतिक विरासत स्थल है, उनका संरक्षण करना, सुरक्षा और उसके उपयोग बेहतरी को बढ़ावा देना, और उसके लिए कुछ सिफारिश भी की जाती है जिससे यूनेस्को इस पर निर्णय लेता है कि हाँ भाई ये साइटों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। भारत सहित लगभग 151 देश इसमें शामिल हो चुके हैं और इसके द्वारा विश्व विरासत समिति का एक सलाहकार निकाय होता है और एक ये रिपोर्ट भी जारी करता है हेरिटेज एट रिस्क, यानी कौन कौन सी ऐसी हेरिटेज हैं पूरी दुनिया में विश्व विरासत स्थल हैं जो इस समय रिस्क के जोन में, यानी कि जो खतरनाक स्थिति में आ चुकी है, जो हो सकता है आगे चल के समाप्त हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट होता है, ग्रीन हाइट मतलब कि ग्रीन इमिशिएशन का होता है, क्लाइमेट चेंज का होता है, तो इनकी वजह से हमारी जो हेरिटेज साइट है वो विलुप्त हो रही है, तो उन्हें बचाने का काम इसी का किया जाता है। तो ये हो गई भारत की बात करें, हालांकि तीन श्रेणियों में दी जाती है सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। अगर भारत की कैटेगरी देखी जाए तो टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल हो गई हैं, 41वें पे हम पढ़ रहे हैं शांति निकेतन, अब 42 नंबर पे पढ़ेंगे होयसलेश्वर मंदिर समूह। तो इसमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 34 7 41 हो गए और एक मिश्रित है। मिश्रित में आप देखोगे सिक्किम की कंचनजंगा, इसको मिश्रित के रूप में शामिल किया गया, केवल एक मात्र है भारत की, इसलिए ये पूछा जा सकता है, तो कंचनजंगा याद रखना है। और किसी भी स्थल को चयन संबंधी जो 10 मानदंड होते हैं उनमें से किसी एक को अगर वो पूरा कर लेते हैं तो उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट कर दिया जाता है।
अब यहाँ पे शांति निकेतन के बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है और देखा जाए तो इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, लोक परंपराओं के साथ साथ जापानी, चीनी, फारसी, बाली, बर्मी, डोको कला शैली और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के भी इसमें मतलब की शैलियों को शामिल किया गया है। तो आप देखोगे कि शांति निकेतन केवल भारतीय कला पर ही आधारित नहीं है बल्कि आसपास के जो देश थे जहाँ से व्यापारिक संबंध भी थे, चाहे वो जापानी हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, फारसी हो, बाली हो या बर्मा म्यांमार हो, इन सभी के कल्चर आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और इसलिए इसको कला की संपूर्ण कृति कहा जाता है जहाँ पे विशिष्ट देशों की कला भी यहाँ पर देखने को मिलती है जिसमें जीवन, शिक्षा, कार्य और कला अपने स्थानीय और वैश्विक रूपों में एक दूसरे से जुड़े हुए। स्थानीय स्तर का मतलब क्या हो गया? भारत की जो स्थानीय क्षेत्रीयता विविधता होती है, पश्चिम बंगाल की जो विविधता है, बांग्लादेश की है, साथ में वैश्विक स्तर के जो महत्वपूर्ण देश हैं और उनकी जो शैली है कला में, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर समावेश देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी में अगर देखेंगे स्थापना के रूप में तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 19वीं शताब्दी में, क्योंकि मृदा अपरदन के कारण यहाँ का क्षेत्र क्या था, बंजर भूमि में बदल गया था। तो उन्होंने सोचा कि ये बंजर भूमि खाली पड़ी रह जाएगी, क्यों ना इस पर एक ऐसा आवास बनाया जाए, ऐसा एक विद्यालय बनाया जाए जहाँ पे गुरुकुल की पद्धति रहे और एक तरीके से लोगों के जीवन शैली में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसलिए बंजर भूमि की जो ये घटना थी इसको स्थानीय रूप में खोई कहा जाता था और यहीं पर इसकी स्थापना की गई थी कि बंजर भूमि का उपयोग भी हो जाएगा और एक संस्कृति का विरासत भी बन जाएगा। और इसके दो तरफ नदियां बहती हैं, एक अजय नदी और एक कोपाई नदी। इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए क्योंकि यूपीएससी कई बार होता है कि लोकेशन पे आधारित प्रश्न पूछता है, तो अजय नदी कहाँ पे बहती है, कोपाई नदी कहाँ पर बहती है, इनके बारे में प्रश्न बन सकता है। अब जरा यहाँ पे प्रमुख स्थापत्य और मंदिर क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे कांच का मंदिर सबसे ज्यादा फेमस है जो कि शांति निकेतन में पहली संरचना बनाई गई थी। और यह मुख्य रूप से मंदिर वर्ड जरूर यूज किया जा रहा है लेकिन यह मंदिर किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, किसी के भी मंदिर नहीं है, वो किसी भी संप्रदाय विशेष से नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो भवन बनाए गए थे उस समय मिट्टी, घास फूस जैसी पारंपरिक सामग्री और मजबूत सीमेंट कॉन्क्रीट दोनों तरह की सामग्री देखने को मिलती है, यानी कहीं कहीं पर आपको झोपड़ी का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा जहाँ पे घास फूस वगैरह यूज की जाती थी, मिट्टी वगैरह यूज की जाती, जो कच्चे घर होते थे, और कहीं कहीं पे इसमें आपको पक्के मकान की तरह भवन देखने को मिलेंगे जिसमें सीमेंट से छत ढाली गई है, दीवारें हैं ईंटों के द्वारा, ये सारी चीजें। साथ में इसकी जो दीवार है, इस दीवार पर भित्ति चित्र यानी कि वॉल पेंटिंग है, फ्रेस्को वृद्धि से बनाए गए चित्र और मूर्तियों को भी सुसज्जित किया गया है। अगर आप देखोगे कालोबारी की दीवारें और गलियारे में भरहुत, महाबलीपुरम, मोहनजोदड़ो, मिस्र, असीरियन रूपांकनों से भी अलंकृत किया गया, तो इसके गलियारे भी बहुत सुंदर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करेंगे, इनके अधीन जब शांति निकेतन आता है, जब इनके पिता ने तो स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जब इसमें शामिल होते हैं तो 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी और तपोवन, गुरुकुल जैसी प्राचीन वैदिक परंपराओं से यह प्रेरित था, जिसमें क्या होता था कि वृक्षों की छाया के नीचे बैठ के खुली हवाओं में कक्षाएं आयोजित की जाती थी, गुरु जो है कि शिक्षा देता था शिष्यों को, जो आपने महाभारत या रामायण में पढ़ा होगा, गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देते थे, वाल्मीकि जी रहते थे, व्यास जी रहते थे, वेद व्यास जी, तो इस तरीके से गुरुकुल पद्धति का ये पैटर्न था। और 1925 में सबसे पहले यहाँ पे एक पाठ भवन के नाम से भी जाना जाने लगा इस आश्रम को, ब्रह्मचर्य आश्रम को, और विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में 1921 में इसे विश्व भारती नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1951 में भारतीय सरकार ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्व भारती के नाम से इसको नॉमिनेट किया और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इसका पहला चांसलर बनाया गया, कुलपति के रूप में उपाधि दी गई। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। लेकिन अब इसी में जो 42वें नंबर का जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया उसका नाम रहेगा, यूनेस्को ने कर्नाटक के पवित्र होयसल मंदिर समूह, अब समूह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीन मंदिर आते हैं जिसमें एक चेन्ना केशव रहेगा, एक होयसलेश्वर मंदिर रहेगा, एक केशव मंदिर रहेगा, ये तीन अलग अलग मंदिर होते हैं जो कि एक समूह के रूप में होते हैं होयसल राज्य में, मतलब होयसल एक क्षेत्र था जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपने एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, होयसल समूह और द्वार समुद्र काकती वंश, तो यहाँ पर ये पूरा कर्नाटक के अंतर्गत तीन मंदिर थे और इसको 42 नंबर पे नॉमिनेट किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। अब यहाँ पे देखोगे तीन मंदिर कौन से, तो चेन्ना केशव जो मंदिर है ये बेलूर में स्थित है, होयसलेश्वर मंदिर ये हलेबिड़ में स्थित है, केशव मंदिर ये सोमनाथपुरा में स्थित है। तो यहाँ पे तीनों लोकेशन भी याद होनी चाहिए कि चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में, होयसलेश्वर हलेबिड़ में और केशव मंदिर सोमनाथपुरा में, ये तीनों ही सीधे सीधे यूपीपीसीएस आरओ एग्जाम या
यूपीएससी में भी आपको मैचिंग करने के लिए दिया जा सकता है। और देखा जाए तो ओवरऑल में कर्नाटक का चौथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि इससे पहले हम्पी को भी दिया जा चुका है, पत्तदकल को भी दिया गया है, और पश्चिमी घाट जो कर्नाटक वाला हिस्सा आता है, पश्चिमी घाट का कर्नाटक राज्य में, इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो हिसलेश्वर मंदिर समूह है ये चौथे नंबर पे आता है कर्नाटक में, और शांति निकेतन तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि इससे पहले सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और साथ में एक और जो है कि हेरिटेज साइट वेस्ट बंगाल में हो चुकी थी। ठीक है, अब बात करेंगे इन मंदिरों के निर्माण और उनकी विशेषता के बारे में। तो विशेषता के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो चेन्ना केशव मंदिर को विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस मंदिर के नाम से? विजय नारायण मंदिर के नाम से। इसका निर्माण 1117 ईस्वी में बेलूर क्षेत्र जो कि हासन जिले के अंतर्गत आता है, राजा विष्णुवर्धन ने कराया था। हासन कर्नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां से बहुत सारे खनिज वगैरह उत्पादित होते हैं, भंडार भी हैं। तो हासन के अंतर्गत जो बेलूर क्षेत्र आता है वहां पे 1117 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था राजा विष्णुवर्धन के द्वारा। और इसके तट के समीप यगची नदी एक अवस्थित है, यानी यूं कहें कि ये यगची नदी के तट पर अवस्थित है चेन्ना केशव मंदिर। और अगर हम बात करें तो इसमें एक कुट यानी एक देवालय वाला मंदिर है, इसके गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी स्थापित की गई है। अब ध्यान देना, चेन्ना केशव मंदिर, आपको लगेगा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण को जब एस्टैब्लिश किया गया है तो ये कृष्ण को समर्पित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। क्योंकि चेन्ना का अर्थ होता है सुंदर, और केशव जो है विष्णु का एक अन्य नाम है, इसलिए सुंदर विष्णु की रूपांकृत या सुंदर विष्णु की कलाकृति है, इसलिए ये भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि गर्भगृह में तो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, लेकिन फिर भी इसे भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, तो ये ध्यान रखना। और इसका दूसरा नाम क्या? विजय नारायण मंदिर के नाम से। अब इस समूह का जो दूसरा मंदिर आता है होयसलेश्वर मंदिर, जो कि हलेबिड़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हलेबिड़ में एस्टैब्लिश है, 1121 में हासन जिले में बनवाया गया था राजा विष्णुवर्धन के द्वारा। तो आप देखोगे चेन्ना केशव मंदिर भी राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था 1117 ईस्वी में, फिर चार वर्ष बाद इन्होंने एक होयसलेश्वर मंदिर भी बनवाया, लेकिन ये द्वार समुद्र झील के तट पर अवस्थित है और ये भगवान नटराज के रूप में यानी भगवान शिव को समर्पित है, और जिसे सहारा के देवता के रूप में भी माना जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप तीसरे मंदिर को पढ़ोगे केशव मंदिर, तो इसका निर्माण काफी समय बाद 1268 ईस्वी में सोमनाथपुरा में करवाया था, और यह होयसल राजा नरसिंह तृतीय के शासनकाल में एक उच्च अधिकारी हुआ करता था सोमनाथ, और इसने सोमनाथपुरा जो कि मैसूर के अंतर्गत आता है वहां पर इसने एस्टैब्लिश कराया। तो राजा विष्णुवर्धन ने दो मंदिर बनवाए थे, एक तो चेन्ना केशव, एक होयसलेश्वर। लेकिन जब केशव मंदिर की बात आएगी तो नरसिंह तृतीय राजा के अंतर्गत एक अधिकारी था जो कि कह सकते हो उच्च अधिकारी, बड़े पद का अधिकारी था सोमनाथ, इसने सोमनाथपुरा में इसको एस्टैब्लिश किया। यहाँ पर देखोगे तो ये कावेरी नदी के तट पे है, तीनों ही मंदिर अलग अलग नदी के तट पे हैं। चेन्ना केशव यागची नदी के तट पर है, होयसलेश्वर आपको मैंने अभी बताया द्वार समुद्र झील के तट पर है, और केशव मंदिर आपका कावेरी नदी के तट पर है। यह एक त्रिकुट मंदिर है, अर्थात भगवान कृष्ण के तीन रूप बताते हैं, जनार्दन, केशव, वेणुगोपाल को समर्पित है, तो इसलिए इसको त्रिकुट मंदिर भी कहा जाता है। जैसे चेन्ना केशव को विजय नारायण मंदिर कहा जाता है, भगवान विष्णु को वो समर्पित है। अब बात करेंगे पूरे के पूरे ये होयसल मंदिर की जो स्थापत्य कला है वो किस तरीके की है। तो देखा जाए तो ये मिश्रित कला है, अर्थात वेसर शैली में निर्मित है, जिसमें आपको द्रविड़ शैली और वेसर शैली में निर्मित होती है, जो कि द्रविड़ और नागर शैली का एक मिश्रित रूप माना जाता है, जिसमें दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है, उत्तर भारत की जो नागर शैली है, इन दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है वेसर शैली में, और इसी शैली में इसको बनाया गया है। और इस शैली पर भूमिजा शैली का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी शैली का? भूमिजा शैली का। भूमिजा शैली में क्या होता है, उत्तर भारतीय शिखर का एक प्रकार होता है, जो कि उत्तर भारतीय जो मंदिर होते हैं इनके शिखर जो ऊंचे ऊंचे दिखते हैं तिकोने टाइप के, तो उसे हम कहते हैं। हालांकि कल्याणी चालुक्य क्षेत्र की कर्नाट द्रविड़ शैली का भी इसमें प्रभाव देखा जा सकता है। अब यहाँ पे मंदिर के स्थापत्य में कुछ प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ देखोगे इस शैली में एक ऊंचे चबूतरे जिसको हम अधिष्ठान कहा जाता है, इस पे एक तार्की योजना को निर्मित किया गया। तार्की योजना में ऊंचे चबूतरे हैं। वहीं इस मंदिर का निर्माण सेलखड़ी से किया गया, जो कि बहुत मुलायम और नर्म होता है। गर्भगृह के रूप में देखोगे तो ये सबसे पवित्र भाग माना जाता है, जहाँ पे मुख्य देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। जैसे चेन्ना केशव में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया गया गर्भगृह में, जो कि एक मुख्य गर्भगृह होता है, अर्थात कि मुख्य स्थान होता है, पवित्र स्थान होता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि चेन्ना केशव भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, बल्कि वो भगवान विष्णु को समर्पित है। और मंडप एक स्ट्रक्चर होता है। मंडप क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं एकत्रित होकर। वहीं वृत्ताकार स्तंभ भी बने होते हैं, जो कि शीर्ष कोष्ठक पे चार मूर्तियां भी उन पिलर्स पे दिखती हैं। गोपुरम की बात करें अगर हम, तो गोपुरम क्या होता है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, जो काफी ऊंचा बना होता है। और मूर्ति कला में क्या होता है, साल भंजिका, जो कि एक स्त्री की मूर्ति है,
विमान की बात करेंगे तो गर्भगृह, आंतरिक गर्भगृह के ऊपर की संरचना होती है जो इस तरीके से होती है, जो अंदर से तो बहुत सिंपल होती है लेकिन बाहर बहुत स्ट्रक्चर बने होते हैं, बहुत डिजाइन बनी होती है, नक्काशी बनी होती है, इसी को विमान कहा जाता है। जैसे आप कई बार मंदिरों में देखोगे तो गर्भगृह मंदिर के ऊपर एक बहुत तिकोना टाइप का, ऊपर त्रिभुज टाइप की एक स्ट्रक्चर बना होता है, एकदम खोखला होता है अंदर से, लेकिन बाहर उसके ऊपर बहुत सारी नक्काशी देखने को मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट एक विशेषता हो जाती है कि टोड़ा गुंबद भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे होयसल राजवंश की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कर्नाड के मलनाड क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अभिलेखों में इन्हें उत्तर भारत के यादव वंश के साथ भी जोड़ा जाता है। हालांकि यहाँ पे जो राजा नृप कामदुति पश्चिमी गंग राजवंश के साथ इन्होंने गठबंधन बनाया था, 10 से 14वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल था, राजधानी इनकी बेलूर थी जिसे बाद में द्वार समुद्र यानी आधुनिक खालेबेड में स्थानांतरित किया गया था। तो होयसल राजवंश की जो राजधानी थी स्टार्टिंग में वो बेलूर थी, लेकिन बाद में द्वार समुद्र बना दिया गया अर्थात आधुनिक खालेबेड में स्थानांतरित किया गया। और साम्राज्य का विस्तार अगर आप देखोगे तो कर्नाटक से तमिलनाडु तक एक बहुत बड़ा क्षेत्र इनके अंतर्गत आता था। और ये प्रशासन कैसे करते थे तो प्रशासन के रूप में ये 5 इकाइयों का यूज करते थे जिसमें नाडुओं, कंपन, विषय और देश, यानी नाडु सबसे छोटी इकाई थी, उससे बड़ा कंपन, उससे बड़ा विषय और उससे बड़ा देश, ये 4 प्रकार से ये क्रमशः विभक्त थे, क्रमशः क्रमवाइज थे। और इसका पतन कब होता है, जो होयसल वंश का जो अंतिम शासक होता है वीर बल्लाल तृतीय, जो कि 1343 ईस्वी मदुरै के युद्ध में मारा गया था। तो मदुरै का युद्ध भी कई बार मैचिंग करने के लिए आ जाता है। और हरिहर प्रथम ने होयसल साम्राज्य के संप्रभु राज्य क्षेत्रों को तुंगभद्रा नदी क्षेत्र में अपने प्रशासन के अधीन क्षेत्रों में विलय कर लिया था। तो हरिहर प्रथम कौन थे, जो विजयनगर साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी, कब की थी, 1336 ईस्वी में। और इसी समय 1343 का जब मदुरै का युद्ध हुआ तो यहीं पे अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु हो जाती है और होयसल का पतन हो जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपने समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे मंदिर। मंदिर में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्यों ये चर्चा में आया है, क्योंकि आपने जब G20 की समिट देखी होगी तो जो पहला दिन जो हमारा 9 सितंबर और 10 सितंबर दो दिन जो है कि समिट थी, 9 सितंबर को जब जितने भी विदेशी जो G7 मतलब G20 की जो शीर्ष प्रमुख देशों के शीर्ष प्रमुख थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो उनकी जब पहली मुलाकात हो रही थी मोदी जी के द्वारा, मोदी जी स्वागत कर रहे थे, तो उसके पीछे एक चक्र बना हुआ था जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर से ही प्रेरित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का वो पहिया था, तो इसलिए वो चर्चा में भी आ गया। कैसे है चर्चा में देखते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं के सामने प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए पर उत्कीर्ण चित्र प्रदर्शन किया गया। और आप देखोगे कि इसी पर खड़े, मतलब इसी बैकग्राउंड पे जो है कि मोदी जी खड़े होकर सभी नेताओं से मिल रहे थे, स्वागत कर रहे थे। तो यहां से ही कोणार्क के सूर्य मंदिर से चर्चा में है तो देख लेते हैं। हालांकि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल हो चुका है और यह मंदिर ब्लैक पैगोडा या अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र के रूप में भी लोकप्रिय माना जाता है। तो ब्लैक पैगोडा आपने कई बार सुना होगा। और इस पहिए का जो निर्माण हुआ था कोणार्क सूर्य मंदिर के अंतर्गत, ये 13वीं शताब्दी में पूर्व गंगी वंश या गंग वंशी शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। किसने कराया था, नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। और यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित भी है और यह पहिए सूर्य की खगोलीय गति को दर्शाने के लिए बनाए गए थे। तो भगवान सूर्य को समर्पित है। मुख्य रूप से देखा जाए इस मंदिर का निर्माण तो क्लोराइट है, लेटराइट है और खंडलाइट चट्टानों से किया गया था। इसी तरीके से भारत में अन्य भी कई जगह सूर्य मंदिर है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा मारतंड सूर्य मंदिर, जो कहां पे, जम्मू कश्मीर में, लेकिन कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड में, सूर्य पहर मंदिर असम में है, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर बिहार में, अरसावल्ली सूर्य नारायण मंदिर आंध्र प्रदेश में, सूर्य नार कोविल तमिलनाडु में, मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में, ब्रह्मण देव मंदिर मध्य प्रदेश में। तो आपने 3 सूर्य मंदिरों को जरूर सुना होगा, एक तो मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर गुजरात का, मारतंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर का और तीसरा ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम मंदिर की संरचना के बारे में बात करेंगे तो कलिंग स्थापत्य कला, क्योंकि कलिंग जो है कि ओडिशा का इंपॉर्टेंट क्षेत्र था और यहाँ पे कलिंग स्थापत्य कला में इसको निर्मित किया गया था। और इसके मुख्य जो मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार है वहां पे गज सिम्हा की मूर्ति से सुसज्जित किया गया। गज मतलब हाथी, सिम्हा मतलब शेर, अर्थात ये माना जा रहा है कि शेर अहंकार का और हाथी धन का प्रतीक है, यानी ये बताया जा रहा है पौराणिक कथाओं के अनुसार। और माना जाता है कि ये दोनों ही अहंकार और धन मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। फिर यहाँ पे नाट्य मंडप देखने को मिलेगा जो कि सूर्य मंदिर में नृत्य और रंगमंच के लिए बना था, कि जो कभी कभी कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं और किसी भी पूजा पाठ के समय जो लोगों को एकत्रित होना पड़ता है और उसके बाद जो पूजा पाठ करते हैं, नृत्य वगैरह करते हैं, तो उसके लिए एक जगह होनी चाहिए प्रॉपर जो है कि, तो वहाँ पर ही होता है। जगमोहन की बात करेंगे तो सभा कक्ष है, और ये इंपॉर्टेंट है,
यूपीएससी पूछती भी है कि जगमोहन जो है कि किस मंदिर प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो ये कलिंग स्थापत्य कला अर्थात कोणार्क सूर्य मंदिर या ओडिशा के मंदिरों में जगमोहन देखने को मिलता है। ये एक सभा कक्ष है जहाँ पे सभी लोग बैठ के सभा करते हैं, अपनी कथा वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें। देउल की बात करेंगे तो यह एक गर्भगृह होता है जहाँ पे मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है और एक भोग मंदिर होता है यानी रसोई। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको नट मंडप दिखेगा, फिर जगमोहन दिखेगा, फिर देउल दिखेगा, फिर ये भोग मंदिर दिखेगा। भोग मंदिर का मतलब जहाँ पे भगवान का प्रसाद बनता है। कलिंग स्थापत्य शैली क्या कहती है? कलिंग स्थापत्य शैली की बात करें तो इसका निर्माण कलिंग स्थापत्य शैली में हुआ था, जो कि उत्तर भारत की नागर शैली है और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप भी है। जैसे अभी मैंने बताया कि बेसर शैली भी क्या थी, नागर और द्रविड़ शैली की मिश्रित रूप थी, ठीक है। कर्नाटक के कुछ मंदिर उसमें बनाए गए होयसलेश्वर वाले, लेकिन उसी तरीके से ओडिशा का जो कलिंग स्थापत्य शैली है वो भी नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। और यहाँ पे दो संरचना इंपॉर्टेंट होती है, एक तो गर्भगृह के रूप में देउल और दूसरा एक सभा कक्ष के रूप में जगमोहन। और इसीलिए देउल और जगमोहन पूछा जाता है। ये स्पेशली क्षेत्रीय आधारित कलिंग कला की एक विशेषता है जो मुख्य रूप से ओडिशा के मंदिरों में ही देखने को मिलती है, स्पेशली सूर्य मंदिरों में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी विशेषता, सूर्य की किरणें। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय सूर्य की जो पहली किरण होती है वो गर्भगृह और इष्ट देव पर पड़े, और ये सूर्य की किरणें का यही कॉन्सेप्ट आपको राम मंदिर में भी देखने को मिलेगा अयोध्या में। ऐसा कॉन्सेप्ट किया गया है कि भगवान श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, सूर्य की किरणें जब होंगी, जब पहली किरण उगेगी तो सीधे वो भगवान श्री राम के मस्तिष्क पे जो है कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन पे जाके जो है कि वो सीधे दिखेगी। और ये एक बहुत ही साइंटिफिक मेजरमेंट है कि किस तरीके से भगवान श्री राम की मूर्ति को एस्टैब्लिश किया जाए कि ताकि सारे हमारे वास्तु दोष के गुण भी उसमें शामिल रहे और साथ में सूर्य की पहली किरण भगवान श्री राम के माथे पर राज तिलक करती हुई प्रदर्शित हो। तो ये परंपरा हमें सूर्य मंदिर में भी देखने को मिलती है। और रथ की योजना की बात करें तो ये सूर्य देव के रथ के समान माना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर की योजना को। फिर यहाँ पे कोणार्क के रथ मंदिर के पहियों की बात करें तो इसमें पक्षियों, जानवरों और पर्ण समूह यानी कि जो पत्ते वगैरह है इससे नक्काशी अलंकृत है, और इसमें अलग अलग विलासितापूर्ण मुद्राओं में महिलाओं की आकृति दिखाई गई। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें अलग अलग जो है कि दिखाए गए हैं। वहीं सात घोड़े की बात करें तो सात घोड़ों को गायत्री, ऊषणिक, अनुस्तुभ, बृहति, पंगति, त्रिष्टपु या जगती के नाम से जाना जाता है, और ये सात घोड़ों के नाम पे भी इंद्रधनुष के सात रंगों पर आधारित होते हैं। मंदिर में नक्काशी की बात करें तो यहाँ पे एक वॉर हॉर्स को दिखाया गया है, हॉर्सेस को यानी युद्ध अश्व को, जो कि कोणार्क मंदिर के दक्षिणी हिस्से के सामने अश्वों की एक नक्काशीदार दो भव्य मूर्तियां हैं। और इस युद्ध अश्व प्रतिमा को ओडिशा सरकार ने राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो इन्होंने एक तीर धनुष, दो मछलियों, इनको जो है कि राजकीय चिन्ह के रूप में, मोहर के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार चुनती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्या किया, जो सिंह की जो चार मूर्तियां हैं उसको जो है कि स्वीकार किया। उसी तरीके से ओडिशा सरकार ने युद्ध की अश्व, जो युद्ध अश्व होते हैं, युद्ध करते हुए घोड़े की प्रतिमा है, इसको राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। और इसमें सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश इन मूर्तियों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। और अगर हम बात करें कोणार्क पहिए की तो अलग अलग इसकी व्याख्याएं हैं। कोई इसे समय का पहिया बताता है, कोई जीवन चक्र का, कोई राशियों का, कोई धर्म चक्र का, कोई धूप घड़ी का, कोई लोकतंत्र का प्रतीक। तो ये अलग अलग जो है कि व्याख्याएं इसकी की गई हैं कोणार्क के पहिए की, जो कि इस बार G20 में चर्चा का विषय रहा। अब यहाँ पे पूर्वी गंग राजवंश की बात करेंगे तो कर्मण देव को पूर्वी गंग राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इंद्र वर्मन प्रथम ने जिंजिंगरी ताम्रपत्र अनुदान को 537 ईस्वी में जारी किया, और सबसे प्रतापी राजा इसका कौन था, अनंत वर्मन चौडंग था। इनकी राजधानी कौन सी थी, तो कलिंग नगर इनकी राजधानी थी। शारदा मंदिर राजा ये चर्चा में जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में टिटवाल गांव में LOC जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, इसके करीब नव निर्मित एक शारदा देवी मंदिर में नवरात्रि पूजा का आयोजन किया गया। ये अभी नया मंदिर निर्मित किया गया, शारदा मंदिर, भारत सरकार के द्वारा, और इसमें नवरात्रि की पूजा की गई है, ठीक है। ये LOC कौन सा है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान ने कश्मीर को अधिकृत कर लिया था, तो उसे LOC के तौर पे जो है कि माना जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वहां पर ही इसका निर्माण किया गया और वहीं पर पहली बार अभी पूजा की गई है। पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर की नीलम घाटी में स्थित पारंपरिक शारदा देवी पीठ की ओर से जाने वाला मार्ग भी यहाँ पे अवस्थित है।
तो शारदा देवी पीठ के बारे में अगर हम बात करें तो तीन प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। दो और कौन से? एक तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो अभी मैंने आपको बताया, और एक अमरनाथ मंदिर जो अमरनाथ मंदिर की गुफा है कैलाश भगवान की, अर्थात भगवान शिव की। तो ये तीन प्रमुख स्थलों में शारदा देवी पीठ भी, कुछ लोग जाते हैं वहां पे घूमने तो यहाँ पर भी दर्शन करने जाते हैं। हालांकि अलबरनी ने इसे प्रतिष्ठित पूजनीय तीर्थ स्थल के रूप में उल्लेखित किया था। अलबरनी सोची महमूद गजनवी के समय जब भारत में आया था उसने उस समय इसका वर्णन कर दिया था। आगे देखते हैं शारदा देवी पीठ का जो महत्व है। पहली चीज कि हमारे भारत में जो 18 महाशक्ति पीठ है उनमें से एक यह इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो हिंदू देवी सरस्वती को समर्पित है, तो जो माँ शारदा है वो सरस्वती का एक रूप है, इसीलिए सरस्वती का पर्यायवाची शारदा भी पढ़ते हैं लोग। देवी शारदा कश्मीरी पंडितों की कुल देवी मानी जाती है, और ऐसा भी मानते हैं लोग कि देवी को कश्मीरा पूर्ववासिनी भी कहते हैं, यानी कश्मीर की निवासी भी रह चुकी हैं ये। और शैक्षिक महत्व की बात करें तो यह पीठ वैदिक ग्रंथों, शास्त्रों और टीकाओं की उच्चतर शिक्षाओं के लिए अध्ययन का केंद्र भी है, और यहाँ पर एक विश्वविद्यालय के रूप में शारदा पीठ की स्वयं की एक लिपि भी थी जिसे हम शारदा लिपि भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है। हालांकि वैष्णव परंपरा के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य ने शारदा पीठ का भ्रमण किया था और इसी जगह अपने श्री भाष्य ग्रंथ की रचना की थी जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इससे यह पता चलता है कि शारदा पीठ जो है कि कितनी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में, शारदा मंदिर कितना इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रश्न आ जाएगा यूपीपीसीएस आरओ एग्जाम्स में, या फिर मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है, जैसे चेन्नाकेशव मंदिर है, हवेशलेश्वर मंदिर है, उसी तरीके से शारदा मंदिर का भी एक मिलान करने के लिए आ सकता है आपसे यूपीएससी में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो सुर्खियां हैं उनको कवर करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो भारत में हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके अंतर्गत त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। तो जरा वो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान शिव को समर्पित हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ उत्तराखंड में। हालांकि बहुत सारे शिव मंदिर हैं वहाँ पे, बद्रीनाथ है, टिबरीनाथ है, केदारनाथ है, तो इसमें केदारनाथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान शिव को समर्पित है ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ये बहुत ही 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है। दूसरा महाकालेश्वर उज्जैन का है, तीसरा ओंकारेश्वर शिवपुरी एमपी का, नागेश्वर का दारुका वन जो कि गुजरात में, सोमनाथ सौराष्ट्र का गुजरात हो गया, त्र्यंबकेश्वर जो कि चर्चा में नासिक महाराष्ट्र का है, भीमा शंकर पुणे महाराष्ट्र का है, फिर रामेश्वर रामेश्वर जो तमिलनाडु का है जो भगवान श्री राम ने जो है कि मंदिर का निर्माण किया था एक तरीके से रेत के माध्यम से, और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम तमिलनाडु मतलब के रास्ते से जो राम सेतु है उसको पार करते हुए अपनी माता सीता को मतलब अपनी पत्नी सीता को जो है कि लेकर आने के लिए रावण का वध करने के लिए, तो वहाँ पे भगवान श्री राम ने भगवान शिव की एक शिवलिंग बनाई थी और उसकी पूजा पाठ की थी, वही रामेश्वर जो है कि, इसलिए राम प्लस ईश्वर अर्थात राम के ईश्वर भगवान शिव हैं और इसीलिए यह मंदिर फेमस है। फिर मल्लिकार्जुन जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, गृष्णेश्वर जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, और वैद्यनाथ जो देवघर झारखंड में। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो आपको पता होने चाहिए 12 ज्योतिर्लिंग। अब यहाँ पर बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर क्यों चर्चा में है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। स्पेशली इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो गोदावरी नदी यहाँ से बहती है और ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। इस मंदिर को एक पुराने मंदिर के स्थान पर एस्टैब्लिश कराया था 1740 से 60 के बीच में तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव के द्वारा। तो यहाँ पे एक पहले से कुछ छोटा सा पुराना मंदिर रहा होगा, लेकिन उसको हटा के फिर यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के तौर पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर की एस्टैब्लिशमेंट की गई। और त्र्यंब का मतलब होता है तीन देव, जिसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये माना जाता है, तो इनको इंगित किया जाता है। और यह मंदिर भी आपको नागर शैली में देखने को मिलेगा, इसका निर्माण काले पत्थर से है, तो त्र्यंबकेश्वर का जो निर्माण देखने को मिलेगा नागर शैली से देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर की बात करेंगे तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है जो कि 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना यह मंदिर माना जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि जो पांडव हुआ करते थे उसमें अर्जुन जो कि सबसे बड़े धनुर्धर थे उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी है, ऐसा एक मान्यता के अनुसार माना जाता है। और यह दुनिया के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है जो कि 12000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। कितने? 12000 से अधिक। तो भगवान शिव को समर्पित यह सबसे ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर है पूरी दुनिया में। और तृतीय केदार भी इन्हें कहा जाता है जो कि गढ़वाल हिमालय में मौजूद जो शिव केदारों पंच केदार होते हैं जिसमें केदारनाथ, महादेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ। तो तुंगनाथ को तीसरा केदार माना जाता है, तृतीय नंबर पे इनकी उपयोगिता, और ये इनका स्ट्रक्चर है, ये केदारनाथ मंदिर की तरह ही देखने में लगता है। फिर यहाँ पे जागेश्वर मंदिर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन श्री सीताराम स्वामी मंदिर त्रिशूर जो कि केरल में है, ये त्रिशूर पुरम को सभी पुरम यानी कि केरल के मंदिर उत्सव की जननी माना जाता है। ये एक त्रिशूर पुरम जो है सभी पुरम में
केरल के मंदिर उत्सव की जननी माना जाता है। त्रिशूर के वडकुनाथ मंदिर में हर साल यह मनाया जाता है। कौन से मंदिर मनाया जाता है? तो वडकुनाथ, ये सीताराम स्वामी मंदिर के रूप में। तो यह मंदिर जो है भगवान श्री सीताराम, भगवान अयप्पा और भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि भगवान अयप्पा एक ब्रह्मचर्य थे जिनको जो है कि मतलब इनकी पूजा की जाती है। और अगर हम बात करें तो त्रिशूर पूरम महोत्सव के स्तर पर सीताराम स्वामी मंदिर में 55 फीट की ऊंची केरल की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि किसका अनावरण किया गया, इम्पॉर्टेंट ये कि सीताराम स्वामी मंदिर चर्चा में आ गया। और सीताराम का मतलब आप लोग को लगेगा कि राम मंदिर है, और राम मंदिर इसमें कहाँ चर्चा में, पूरे देश में अयोध्या केंद्र में है। और एग्जामिनर भी आपको फंसाने के लिए अयोध्या दे देगा और आपको लगेगा हो सकता है भगवान श्री राम के मंदिर के आसपास ही इसको बनाया गया होगा, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से एग्जामिनर आपके माइंड सेट के साथ खेलता है और आपको चेक करता है कि आप कितना नॉलेज रखते हो। तो ये चीज होती है। फिर वहीं केरल में एक और मंदिर है तिरुनेल्ली मंदिर, जो कि पारंपरिक केरल स्थापत्य कला शैली में निर्मित है। और यह केरल के वायनाड में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास पापनाशिनी तट नदी के तट पर अवस्थित है। कौन सी नदी के तट पर? पापनाशिनी नदी के। और यह मंदिर त्रिदेवों यानी कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा से धन्य है। और स्पेशली जो है कि इसमें विष्णु जो है कि भगवान विष्णु मुख्य देवता के रूप में, यानी त्रिनेल्ली जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है एक मंदिर के रूप में।